सोचो इस सॉन्ग को सुनने के बाद यादव जी कितना प्राउड फील कर रहे होंगे। मगर मुझे स्पेशली इस सॉन्ग से कोई दिक्कत नहीं और इन्हें भी कोई दिक्कत नहीं जब तक यादव जी को अपने इस बेटे के हिडन टैलेंट के बारे में पता नहीं चलता। अगर यादव जी का बेटा ले सकता है तो बेटी क्यों नहीं दे सकती है। हैशटैग इक्वालिटी। तुम चुम्मा चिपक के लेती हो, ये नेचुरल चीज है, हर कोई लेता देता है। पर एक बात पता है, उसमें बेचारे यादव जी का क्या कंट्रीब्यूशन है। मैं मानता हूँ कि ऐसे वर्षों पहले उनसे एक गलती हुई थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने हर एक अचीवमेंट का गुनहगार तुम उन्हें ही ठहराती रहो। ऐसा तो नहीं है कि तुम यादव जी की बेटी हो तो चुम्मा चिपक के लेते हो, और कोई सिन्हा साहब की बेटी होगी तो फ्लाइंग किस देके ही सामने वाले का गाल लाल कर देती होगी। पावरफुल है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोद के बच्चे। तेरे मगर सके ना जो भी तेरे पीछे भगा, उसे मैंने बोला फटफट रुकने को, फटफट रुकने को, खुदा के अलावा कौन बोला तेरे को किसी के सामने झुकने को। अरे यादव जी का बेटा हूँ, चुम्मा पटा के लेता हूँ। अरे देख भाई, तुम यादव जी के बेटे हो या मोदी जी के, अगर इस तरह की चीजें पटक के लोगे ना तो मोलेस्टेशन का केस लगेगा, और जज साहब तो फैसला बाद में देंगे, पब्लिक पहले मादरचोद घोषित कर देगी। पांडे जी का बेटा हूँ, पंडित जी का बेटा हूँ, यादव जी का बेटा हूँ, चुम्मा पटक के लेता हूँ, मादरचोद का बेटा हूँ, जाति बात पे गाता हूँ। ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, बस ऊपर वाले की दया से ये कोई गाना नहीं था बल्कि इन लोगों को मैसेज देने की कोशिश की गई थी। ये सब तो फिर भी ओके था, पर आगे मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ वो मैं बोल नहीं सकता हूँ, तुम खुद पढ़ लो। भाई ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इस वीडियो को एज एंटरटेनमेंट पर्पस बनाने वाला था, पर जब मैं इस सॉन्ग को पहली बार सुना तो मुझे ये कॉमन लग रहा था जैसे कि नॉर्मल भोजपुरी सॉन्ग होता है। पर जब मैंने इन सॉन्ग पर रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि ये सिर्फ सॉन्ग नहीं बल्कि कुछ और ही है। इसमें कुछ जाति के लोग एक दूसरे को आपस में इंसल्ट कर रहे हैं, और जहां तक मुझे लगता है ये कोई काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता है। सबसे मजे की बात ये है कि इन वीडियोज पर भर भर के व्यूज आए हैं, इसी तरह का कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भाई भोजपुरी के बहुत से सिंगर और एक्टर हैं जो डबल मीनिंग सॉन्ग बनाते हैं, पर वो अपना एक लिमिट मेंटेन करके रखते हैं, किसी भी पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं करते हैं। तो सीधे शब्दों में इस तरह के सॉन्ग बनाने वाले सिंगर को सिंगर नहीं कहा जा सकता है, सिंगर उन्हें कहा जाता है जिन्हें गाना गाना आता हो। और इन्हें सिंपल वर्ड, ये लोग टट्टी हैं और टट्टी से तुम होली नहीं खेल सकते, उन्हें फ्लश कर देने में ही भलाई है। और आगे यार तुम लोग समझदार हो, मैं तुम लोगों को ज्यादा बोर नहीं करूंगा, तो आगे बढ़ते हैं। पहले कि तुम कुछ इधर उधर का सोचो, मैं ना एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इस सॉन्ग का तात्पर्य है कि एक सिस्टर इन लो और एक ब्रदर इन लो, मतलब कि साली और जीजा एक किचन में रोटी बना रहे होते हैं, और जीजा रोटी बेल रहा होता है, पर जीजा जी रोटी बेलने में नो प्लेयर होते हैं। साली देखती है कि तवा गर्म हो चुका है और गैस बिना मतलब का बर्बाद हो रहा है, तो साली को इस तरह की बर्बादी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तो अपने जीजा जी से कहती है। अब तुम कहोगे कि यहाँ बेलने की नहीं खेलने की बात हो रही, यहाँ खेलने की, तो भाई तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं मिले है, तुम्हारी परवरिश गलत तरीके से हो रही है, इसलिए तुम इस तरह के पवित्र गाने को गलत मतलब निकाल रहे हो। और ये लाइन जो है पूरे गाने का सबसे पवित्र लाइन है, और अगर तुम पूरे गाने को सुन लोगे ना तो मैं बता रहा हूँ भाई तुम्हारा सिस्टम उल्टा हो जाएगा, मतलब तुम कान से हगने लगोगे और गांठ से सुनने लगोगे। इस बार मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस बार मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। यार बन जाते हैं कभी कभी ऐसे सॉन्ग, या सुलोचन के ओवरडोज में राइटर को कहाँ पता चलता होगा वो क्या लिख रहा है। ऐसी बात नहीं है कि भोजपुरी में सिर्फ ऐसे ही सॉन्ग बनते हैं, कुछ अच्छे सॉन्ग भी बने हैं, जैसे ये सॉन्ग देख लो। छोटे बाबे छेदा पहले अंगूरी घुसावे द, छोटे बाबे छेदा पहले अंगूरी घुसावे द, I'm joking। तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जो लाल वाला बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।